हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं हरियाणा जीके की, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें। पहला प्रश्न है, हरियाणा में पहला कॉलेज कब खुला? जो हरियाणा का पहले कॉलेज कब खुला? 1926 में। कहाँ खुला था? रोहतक में। अगर पूछा जाए हरियाणा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो हरियाणा, हरियाणा के नाम से हरियाणा का पहला समाचार पत्र था। और यह कहाँ से प्रकाशित होता था, मतलब कहाँ से छपता था, तो झज्जर से। अब बात आती है हरियाणा समाचार पत्र के संचालक कौन थे। समाचार पत्र पहला था हरियाणा ही, छपता था झज्जर से, और उसके संचालक थे, जो संपादक जो उसके छापते थे, उनका नाम है पंडित दीन दयालु शर्मा। अगला प्रश्न आता है, पंडित दीन दयाल शर्मा दूसरा अखबार कौन सा निकालते थे? हरियाणा पत्रिका के अलावा वो कौन सा निकालते थे? राफिये आम, राफिये आम। अगला प्रश्न है, खैर अंदेश अखबार कब शुरू हुआ? तो अगर बात करें हम खैर अंदेश की, तो ये 1889 ईस्वी में शुरू हुआ। जाट गजट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जाट गजट कब शुरू हुआ? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। और जाट गजट कहाँ से निकलता है? तो ये आपके रोहतक से निकलता है, याद रखना है। जाट गजट अखबार है जो रोहतक से निकलता है। 1916 में इसकी शुरुआत हुई थी। जो इसके संपादक थे वो कौन थे? चौधरी छोटू राम या सर छोटू राम। तो सर छोटू राम ने 1916 में जाट गजट प्रकाशित किया, कहाँ से? रोहतक से। बात आती है हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ? ये भी बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर जो HSC क्लर्क हुआ था उसमें भी पूछा गया था। तो हरियाणा तिलक अखबार जो 1923 में शुरू हुआ, इसके संपादक थे पंडित श्री राम शर्मा। कौन थे? श्री राम शर्मा। अब बात आती है, पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? तो पंडित माधव प्रसाद मिश्र कहाँ के निवासी थे? कुंगड़ भिवानी के। कहाँ के थे? कुंगड़ भिवानी। अगला प्रश्न आता है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ के निवासी थे? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त कहाँ? गुडियानी के। कहाँ के निवासी थे? बाबा बाबू मुकुल बाल मुकुंद गुप्त गुडियानी। गुडियानी कहाँ पड़ता है? आपके रेवाड़ी में। अगला प्रश्न है, बाबा मुरलीधर कहाँ के निवासी थे? तो बाबू जो मुरलीधर है वो अम्बाला के रहने वाले थे, या इनको बोल देते हैं लाला राय मुरलीधर। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कौन कौन से नए डिवीज़न बनाए गए? तो हरियाणा में दो नई नए डिवीज़न बनाए गए हैं, करनाल और फरीदाबाद। पहले चार थे, अभी टोटल कितने हो गए हैं? छः। अब हरियाणा में कुल कितने मंडल हो गए हैं? छः। सभी मंडलों के नाम कौन कौन से हैं? अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अब बात आती है, अम्बाला मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। करनाल मंडल में आते हैं करनाल, पानीपत और कैथल। रोहतक में रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। हिसार मंडल में आते हैं हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। गुरुग्राम में आते हैं गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। और फरीदाबाद में आते हैं फरीदाबाद, पलवल और नुहू। अब प्रश्न आता है एक और इम्पोर्टेंट, हरियाणा में कौन सी नई पुलिस रेंज बनाई गई है? तो वो कौन सी पुलिस रेंज है? अम्बाला। अब हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज हो गई है? पाँच। कितनी हो गई? पाँच। सभी अगर उनके नाम पूछे जाएँ तो एक अम्बाला, करनाल, हिसार, रोहतक और एक साउथ रेंज है। और साउथ रेंज का जो मुख्यालय कहाँ है? रेवाड़ी में। अगला प्रश्न आता है, अम्बाला रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? तो अम्बाला रेंज में अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। करनाल में आते हैं करनाल, पानीपत, कैथल। हिसार में आते हैं हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, हांसी, जींद। रोहतक में आते हैं रोहतक, झज्जर, सोनीपत, चरखी दादरी और भिवानी। साउथ रेंज में आते हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और
नूहू। कुल कितनी तकनीकी हैं जो पुलिस कमिश्नरी है हरियाणा में, तो वो तीन हैं। तीन कौन कौन सी हैं? पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, यह कहें टेक्निकल पुलिस कमिश्नरी हैं ये। अब बात आती है हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बना है, जो जिला नहीं है केवल पुलिस जिला है, तो वो कौन सा है? हांसी। हांसी क्या है? जिला नहीं है वैसे, लेकिन पुलिस जिला है बस। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना था? चरखी दादरी। कितनी नई तहसील बनी हरियाणा में? 10। कितनी नई उप तहसील बनी है? 11। तहसील 10, उप तहसील 11 है। अगला प्रश्न आता है हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई, तो हरियाणा गवर्नमेंट रिफॉर्म अथॉरिटी, HGRA। हरियाणा गवर्नमेंट रिफॉर्म अथॉरिटी, HGRA की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है हरियाणा गवर्नमेंट से रिफॉर्म अथॉरिटी। अगला प्रश्न है हरियाणा गवर्नमेंट रिफॉर्म अथॉरिटी का अधिकृत किसे बनाया गया है, तो जो वो कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार। ये क्या है? HGRA के अध्यक्ष हैं। कौन है इसके अध्यक्ष? डॉक्टर प्रमोद कुमार, हरियाणा गवर्नमेंट्स रिफॉर्म अथॉरिटी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो पलवल के दूधौला में, पलवल जिले के अंतर्गत एक दूधौला गांव में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा हरियाणा के कितने ग्रामीण जिले खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं, तो वो 7 हो गए हैं। हरियाणा में कितने शहरी जिले और ग्रामीण पूछे शौच से मुक्त जिले, तो 7, और शहरी पूछे तो 2, रोहतक और सिरसा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा वर्ष 2017 में सूरज कुंड में लगने वाले 31वें अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला में थीम स्टेट कौन सा था, जो 2017 में लगा था वो झारखंड था, और 17 में और पार्टनर कंट्री कौन सा था? इजिप्ट। और पहली बार कौन कौन से देशों ने भाग लिया था 2017 में सूरज कुंड क्राफ्ट मेले में? इथोपिया, मंगोलिया, सेलोवेनिया। नोटबंदी में किस किस मूल्य के नोट बंद किए गए थे, वो ज़्यादातर सभी को पता है, 500 और 1000 के। SYL क्या है? सतलुज यमुना लिंक। इस पे वाद विवाद चल रहा है हरियाणा और पंजाब का, इसलिए इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कई बार पूछा गया है, सिसाय हरियाणा। हरियाणा में परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो गोरखपुर फतेहाबाद में, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कहाँ? गोरखपुर फतेहाबाद। हरियाणा में कृषि विभाग को अब किस नाम से जाना जाएगा? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। पहले इसका नाम कृषि विभाग था, इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। गुड़गांव का नया नाम गुरुग्राम। मेवात जिले का अब नया नाम क्या होगा? नूहू। जब मेवात जिला बना था सबसे पहले इसका नाम क्या रखा गया था? सत्यमेवपुरम। उसके बाद मेवात रख दिया गया, अब इसका नाम क्या है? नूहू। हरियाणा में बागवानी वाणिज्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो अंजनिस्त अस्तली है, वो कहाँ है? अंजनस्थली जिला करनाल में। माँ अंजनी का इसे जन्म स्थान माना जाता है, इसे अंजनी स्थली बोलते हैं, तो करनाल में। हरियाणा के विद्यालयों में इस वर्ष से कौन सी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई है, तो ये सेमिस्टर प्रणाली को हरियाणा में समाप्त कर दिया गया है। हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? अब प्रश्न इन्हीं में से पूछा जाएगा, कितनी पुलिस कमिश्नरी हो गई अब? 5, पहले कितनी थी? 4। साउथ रेंज में इनमें से कौन से जिले आते हैं, साउथ रेंज में कौन कौन से आते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और मेवात। चार पुलिस कमिश्नरी तो गलत दे रखा है, 3। हरियाणा सरकार ने किस दुधारू पशु के वध को जघन्य अपराध घोषित किया है, तो वो गौ वध को। हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? गुड़गांव में। राजधानी चंडीगढ़ का नाम कहाँ से लिया गया? चंडी
मंदिर से, एक चंडी लिया गया चंडी मंदिर से, एक उसमें गढ़ किला है गढ़, तो गढ़ वहाँ से लिया गया, तो चंडीगढ़। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन आली का जन्म कब हुआ था? 1837 ईस्वी में। अल्ताफ़ हुसैन आली से मोस्टली सभी एग्जाम्स में एक प्रश्न जरूर पूछा जा रहा है, तो आप इसको याद रखना। 1837 में हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? भौर सैदान कुरुक्षेत्र में। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90, एक एंग्लो इंडियन को मिला के 91 हो जाती है। हरियाणा के किन दो जिलों में विश्व पर्यावरण अदालत स्थापित की गई हैं? तो हिसार और फरीदाबाद में पर्यावरण अदालतें स्थापित की गई हैं। गणगौर का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो ये मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, माँ पार्वती के उपलक्ष्य में। साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो वो साइना नेहवाल कहाँ की रहने वाली हैं? हिसार की, हिसार में उनका जन्म हुआ था। सोनू निगम फरीदाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का शहरी बाल लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो मेवात का। हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? बीएन चक्रवर्ती। पहले कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? चंडीगढ़ में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस रामलाल। बहुत बार पूछा गया है, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे हैं। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? 1 जनवरी 2006 को। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। सतनामी कहाँ के रहने वाले थे? नारनौल के। हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी कहा जाता है? गुरुग्राम। राजा नार सिंह के नाम पर स्टेडियम कहाँ है? फरीदाबाद में। पाली ऋषि से संबंधित बागो तीर्थ किस जिले में? पानी ऋषि से महेंद्रगढ़ में। हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को खेल रत्न दिया जाएगा? साक्षी मलिक को। आदर्श ग्राम योजना के लिए कौन कितने सांसदों ने गांव गोद लिए? 15 ने। निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पंचकुला। पंचकुला अभी बसाया गया है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो आदि बद्री का संबंध कौन सी? सरस्वती नदी से माना जाता है। किस उत्सव को बासौड़ा भी कहा जाता है? सीली सातम। उसको सीरा बासा कहते हैं गांव में जाता है, तो उसे ये कई बार पूछा गया है, तो सीली सातम या बासौड़ा या सीरा बासो कहें, सीरा बासो तो वही है। ये पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली की पर्वत श्रेणियाँ। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो वो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्व में। अकबर के समय रेवाड़ी के प्रशासक कौन थे? हेमचंद्र। मारा गांव जगमग गांव का संबंध किस विभाग से है? विद्युत विभाग से। हमारा गांव जगमग गांव। हरियाणा की साक्षी मलिक किस खेल से संबंधित हैं? तो कुश्ती से। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। उदयमुक्त किस जली में बोली जाती है? निम्नलिखित विकल्पों से बताएं। तो कुरुक्षेत्र में जो उर्दू है मुक्त है, किस जिले में बोली जाती है? तो कुरुक्षेत्र में। बाराबाट होना हरियाणा मुहावरे का क्या अर्थ है? नष्ट होना। महिला साक्षरता दर किस जिले में सर्वाधिक है? तो गुड़गांव की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। मुर्रा किसकी नस्ल है? भैंस की। हरियाणा की रानी रामपाल को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो हॉकी। हॉकी टीम की वो कैप्टन भी हैं। विनेश फोगाट को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा? कुश्ती के लिए। हरियाणा के पहलवान अमित को किस पुरस्कार के लिए चुना गया? तो अर्जुन पुरस्कार के लिए। हरियाणा के किस कोच को इस वर्ष द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा? तो महावीर सिंह फोगाट को, इनके पिता हैं ये। हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बैनर किसे बनाया? साक्षी मलिक को। हरियाणा के रेवाड़ी से 16 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आरंभ किसने किया था? तो मुख्यमंत्री जो थे, मुख्यमंत्री थे गोवा के, मनोहर पारिकर ने किया था। अब वो दिवंगत हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में
किस पारदर्शी प्रणाली से 10,000 पीजीटी के स्नातक किए, तो एमआईएस पोर्टल से। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें इस वीडियो को, इतना फैला दो कि ये वायरल हो जाए। हम आपके लिए ऐसे ही मैराथन क्लास लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।